हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव और जो हमारा सब्जेक्ट है शुक्र। शुक्र 7 जुलाई को आपके आ जाएंगे कर्क राशि में। कहां पर? आपके यहां पर आ जाएंगे और कब तक रहेंगे? 31 जुलाई तक रहेंगे। शुक्र यानी जो लग्जरियस, शुक्र यानी सुंदरता, शुक्र यानी वैभव, शुक्र यानी मान सम्मान और आपके भौतिक विलासिताओं का जितनी भी जो पूर्ति होती हैं, हमें कहाँ से पूर्ति होती हैं? हमें शुक्र से पूरी होती हैं, ठीक है। आपकी जो राशि है, आपकी राशि है मकर, जिसके स्वामी होते हैं शनि। शनि शनिदेव यानी न्याय के देवता, कर्म के देवता, यानी जो आदमी कर्म करता है अपना, उसे वो हर तरीके से देते हैं। आपने देखा होगा, है ना, अगर आप मेहनत करते हो तो शनि हो सकता है लेट देते हैं, लेकिन देने में कभी कमी नहीं करते हैं, देंगे जरूर। इसलिए मकर राशि के जितने भी आपने देखा, जितने भी इस समय जातक हैं हमारे, इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें कर्म और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सोचे बिना मेहनत करे आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो आपके स्वामी हैं, आपके स्वामी हैं शनि। सो शनिदेव स्वामी हैं, तो इसलिए मेहनत तो आपसे वो कराएंगे। न्याय के और कर्म के देवता है, तो मेहनत करते रहिए और इसका फल लेते रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। ओवरऑल आपकी पूरी कुंडली का जो हमने पूरे बारह भाव का स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं आपके सेकंड भाव की। सेकंड भाव में भी जो स्वयं की राशि बैठी है, उनकी कौन सी राशि है? कुंभ राशि है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि यहाँ पर होने का मतलब क्या हो गया? ये भाव किसका होता है? ये भाव आपके धन का होता है और आपके कुटुंब का होता है। धन और कुटुंब का भाव होने का मतलब क्या हो गया? धन के स्वामी कौन होते हैं? धन के स्वामी आपके होते हैं गुरु बृहस्पति, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। क्यों फायदा मिलेगा? एक तो इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि इस समय जो दशाएं चल रही है, आपकी जो भाव चल रहा है, आपका जो इस समय शुक्र आए हुए हैं, शुक्र आ जाएंगे तो क्या होगा? शुक्र के ये मित्र हैं आपके, शनि भी मित्र हो गए, आपके बृहस्पति भी मित्र हो गए, तो यहाँ क्या होगा? कहीं ना कहीं हमें धन का कहीं ना कहीं फायदा होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि परिवार में खुशी होगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इससे सफलता मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं आपकी थर्ड भाव की, यानी जो आपका तृतीय भाव है, जो मेहनत का भाव है आपकी, आपके पराक्रम का भाव है, आपके परिश्रम का भाव है। इसमें जो राशि आपकी विराजमान है, इसमें राशि आपकी विराजमान है मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति क्या है? गुरु बृहस्पति हमारे मित्र हो गए, आप ऐसे कह सकते हैं, इनके मित्र हो गए हमारे, इन द सेंस इनके मित्र हो गए। तो क्या होगा? गुरु हमें यहाँ पूर्ण रूप से हमारा साथ देंगे, हाथ देंगे। और इस समय दो फायदे और हैं, शुक्र के साथ साथ जो अभी आपने देखा बुध भी आए हुए हैं आपके, ठीक है ना, बुध भी आपके 19 जून से 29 जून को यहाँ पर आ गए थे और 31 जुलाई तक, अभी 19 जुलाई तक बुध भी यहाँ पर रहेंगे और 16 जुलाई से आपके सूर्य भी आपके साथ आ जाएंगे। तो ये भी हमें फायदा मिल रहा है। बुध क्या है? बुध व्यापार है, बुध अपने आप में वाणी है, बुध क्या है? बुध अपने आप में राजकुमार है, आप ऐसे मान सकते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य आपने आपकी आत्मा है, सूर्य आपका पिता के कारक भी है और सूर्य ग्रहों के राजा भी है, आप ये मान सकते। तो इनके साथ साथ आपको उनका फायदा भी होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में जो राशि विराजमान है, वो राशि कौन सी विराजमान है आपकी? आपकी मेष राशि विराजमान है। यहाँ पर क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मंगल विराजमान हो गए आपके, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ हाउस एक तरह से कैसा हो गया? फोर्थ हाउस से हम इसे या कर्क राशि से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कर्क राशि से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ हमें और शुक्र कहाँ पर आए? कर्क राशि में ही आए, आप ऐसे मान सकते। तो क्या होगा? यहाँ भी इनका फायदा आपको होगा। फायदा कैसे होगा? अब ये समझ लीजिए किसको फायदा होगा। एक तो माता के लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है ना, जितने विद्यार्थी गण हैं उन्हें बहुत फायदा होगा, जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत फायदा होगा, लेखन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें फायदा होगा, ठीक है, आपका मीडिया से संबंधित जो लोग हैं उन्हें फायदा होगा, जितने भी नेतागण लोग हैं उन्हें फायदा होगा, जो कहीं ना कहीं जनता से लिखने के कार्य से वाद संवाद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उन सबको यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या फायदा आप इसका पूर्ण रूप से और फायदा लेना चाहते हैं? तो ये मंगल को भी बना के चले। मंगल को क्यों बना के चलना, ये समझें आप, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं और ये आपके मंगल हैं। तो इनका क्या हुआ? इनकी दोनों की आपस में मित्रता नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या है, इन्हें थोड़ा सा बांध के चलें, इन्हें बांध के चलें तो शनि भी आपके पूर्ण रूप से फेवर में चलेंगे। अगर हनुमान जी को अपना सही करके चलेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और मंगल के मंगल आप कोशिश करें कि 5 लड्डुओं का प्रसाद अपना भोग लगाते चलें हनुमान जी को, तो और भी आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप ऐसे मान सकते हैं।
ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में जो राशि विराजमान है वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, यानी क्या हुआ लग्जरियस के देवता पहले विराजमान है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत तो कोई होनी नहीं हमें। ये किसका भाव होता है? हमारे संतान का होता है, भाग्य का होता है और हमारी बुद्धि का भी होता है, ठीक है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा खर्चों पर सहम रखना है, क्योंकि जब खर्चे होते हैं तो खर्चों की तो कमी रहने की नहीं, आप पूर्ण रूप से खर्चा कर सकते हो। इस समय जब शुक्र की पूरी आपके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, दशा पड़ रही है, शुक्र आ रहे हैं और आपके फेवर में आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो भाई यहाँ हमें किसी भी खर्चों की हमारे लिए समस्या नहीं है। समस्या क्यों नहीं है, पूर्ण रूप से है। तो बच्चों पे थोड़ा सा खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये ना हो कि पता चले खर्चे अपना खोल दिए तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, बच्चे अननेसेसरी खर्चा करते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई से इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बस आपको, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आपके सिक्स्थ भाव की। सिक्स्थ भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी राशि कौन सी विराजमान है, मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध हमने आपको बताया है, बुध की इस समय अभी आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। बुध भी आपको पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। बुध का भी पूर्ण रूप से आपको हाथ मिल रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी इनके मित्र हो गए, शनि के मित्र हो गए, शुक्र के भी मित्र हो गए, तो क्या होगा, यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। अच्छा, भाव किसका होता है, हमारे रोग का होता है, ऋणों का होता है और उसका शत्रुओं का होता है, तो क्या होगा, हमारी कहीं ना कहीं काया में भी फर्क पड़ेगा, हमारी माया में भी फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे शत्रुओं पर भी हम कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो शत्रुओं पर भी अपना विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब पैसा आता है तो शत्रु भी बढ़ जाते हैं, बहुत सी बार ईर्ष्या बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लेके चलना, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस में जो राशि विराजमान है वो राशि कौन सी विराजमान है, ये विराजमान है आपकी कर्क राशि विराजमान है, ठीक है। अच्छा, जो अगर सात सेवंथ हाउस से देखते हैं तो तुला भी हो गई यहाँ पर, तो क्या हुआ, यहाँ पर शुक्र का हमें साथ मिल रहा, दोनों तरीके से साथ मिल रहा, और सीधे ये आपको कहाँ से देख रहे हैं, सीधा आपको भी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सेवंथ आपकी जो सातवीं दृष्टि है वो सीधे आप पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 आपको देख रहे हैं। तो शुक्र क्या है, शुक्र सुंदरता है, शुक्र क्या है, लग्जरियस है, शुक्र क्या है, वैभव है। इस समय क्या होगा, आपके अंदर एक चेंजेस आएंगे, आप देखेंगे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप मतलब अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सौंदर्य में एक अलग ही मतलब निखार आएगा इस समय। क्यों, जब हर तरीके से आदमी सही रहता है और दशाएं आपके हिसाब से चलती है तो कहीं ना कहीं आदमी का मन खुश रहता है। भाई पैसा जेब में होता है तो मन खुश होता है, और मन खुश होता है तो चेहरे पर आता है, तो चेहरे पर आएगा तो कहीं ना कहीं अपने आप ही सौंदर्य में आपके सुंदरता सौंदर्य में 4 चांद 100% लगेंगे, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा अच्छा एक और काम साथ के साथ करते चले आप, हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इस चीज की पूर्ण रूप से अगर आपको कृपा चाहते हो तो इत्र का प्रयोग करते रहे, इत्र का प्रयोग करेंगे तो शुक्र की जो आप पे दृष्टि है, शुक्र का जो आपके ऊपर इसका प्रभाव है, पूर्ण रूप से आएगा और पूर्ण रूप से लग्जरियस की आप प्राप्ति करेंगे, आप ऐसे मान सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके, अच्छा हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आशिक मिजाज बन सकते हैं, इस समय आप रोमांटिक हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। क्यों, ये भाव किसका है, ये भाव आपके पत्नी का भी है और पति का भी है और पार्टनरशिप का भी है, ठीक है ना, आपके व्यवसाय का भी और आपकी यात्राओं का भी है, तो खर्चा तो यहाँ 100% अपने आप ही आ गया, आप ऐसे मान सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने अपने आचरण पे मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 100% जब शुक्र की दशाएं आती हैं तो भोग विलासताओं की तरफ आदमी 100% ना चाहते हुए या चाहते हुए मुड़ता है, क्योंकि जब ये चीज़ें आती हैं तो इनका कहीं ना कहीं परिणाम भी मिलता है, ऐसा ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, बस आप ऐसे माने। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर राशि कौन सी विराजमान है, कर्क है, कर्क के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा क्या, आपका मन है, मन को साध के चलना है, पता चला मन चंचल होता है, आपने देखा होगा, तो मन के लिए क्या, अगर चंद्रमा पूर्ण रूप से सही करना चाहते हो तो शिवलिंग पे अपना दूध जल और दही का प्रयोग करते रहे, अर्पण करते रहे, तो उससे आपका चंद्रमा भी पूर्ण रूप से आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जो राशि विराजमान है सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, ठीक है ना, और ये राशि यहाँ पर वैसे देखते हैं तो यहाँ मंगल भी आते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये भी लाल हो गए, मंगल का रंग भी लाल हो गया और आपका सूर्य का रंग भी लाल हो गया, तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा अपना वाणी पे सहम रख के चलेंगे, अपना ध्यान रख के चलेंगे तो यहाँ आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि शरीर का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी आयु का भी होता है, हमारी मृत्यु का भी होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में जो राशि विराजमान है कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध, और बुध की ये भाव किसका है, आपका भाग्य का और आपके धर्म का,
ठीक है, तो ये भाव भी आपके लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है, सही रहेगा सब कुछ। और अच्छा बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि विराजमान है वो तुला राशि विराजमान है। तुला किसके, यानी शुक्र। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यश प्रसिद्धि रोजगार और आपका कर्म, हमने आपको क्या बताया भाई, ये सब चीज़ों की प्राप्ति कहाँ से, हमारे इनसे ही है। तो प्रसिद्धि तो जब हमें मिलेगी तो 100% ये कहीं ना कहीं देने का काम करेंगे। मान सम्मान सुख सुविधा भोग विलासता भौतिक सुखों का भंडार ये कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो यहाँ भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये फायदा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके 11th हाउस की। इसमें जो राशि विराजमान है, वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल। मंगल का हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हिसाब से अगर देखते हैं दोनों की मैत्री नहीं है। और ये भाव किसका होता है, लाभ का होता है, इच्छा का होता है और आय का होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हनुमान जी को सेटल करके चले, हनुमान जी अगर सही रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके 12th भाव की। 12th हाउस में जो आपकी राशि विराजमान है वो धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, आप ऐसे मान सकते हैं। और गुरु बृहस्पति इनके दोस्त होंगे, इनके मित्र होंगे, तो क्या होगा, ये भाव आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। ये भाव किसका होता है, हॉस्पिटलिटी का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, व्यय का है, खर्चों का है, और ये क्या है, ये आपका, आप इसे ऐसे मानते हैं, विदेश का भी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अगर शनिदेव को खुश रखना है तो एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखें, एक तो गरीब का किसी का कभी पैसा ना मारे, ये ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव जब भी बिगड़ते हैं इन सब चीज़ों से बहुत बुरा मानते हैं। अगर किसी गरीब का पैसा आपने रोक लिया तो समझ लो अपने लिए समस्या पैदा कर ली। कोशिश करें गरीब को अंत खिला दें, अपना कपड़ा दान कर दें, वस्त्र दान कर दें, छोटा मोटा भंडारा लगा दें, इससे क्या होता है, शनिदेव कहीं ना कहीं प्रसन्न होते हैं। और जब शनिदेव प्रसन्न रहेंगे तो कुंडली में आपके वहाँ मतलब वारे न्यारे होने ही हैं, आप ये मान के चलें, ठीक है। तो बस आपको उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लाइफ में पॉजिटिव रहें, ठीक है, धन्यवाद।